क्या आपके साथ भी ऐसा होता है जब आप नूडल्स बनाते हैं और वो चिपचिपे से हो जाते हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते हैं? तो अब ऐसा नहीं होगा। आज मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वेज चाउमीन की रेसिपी। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं बाजार जैसे चाउमीन घर में कैसे बनाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल फॉर यू क्रिएशंस। नूडल्स बनाने के लिए यहाँ मैंने लिए हैं पैकेट वाले ड्राई नूडल्स। आप नूडल्स कोई भी कंपनी के ले सकते हैं। यहाँ मैंने लिए हैं 250 ग्राम नूडल्स। अब हम नूडल्स को बॉईल करेंगे। बॉईल करने के लिए यहाँ हम एक बड़े से पतीले में पानी रख देंगे। जब पानी अच्छे से गर्म हो जाए उसमें एक बड़ा चम्मच नमक ऐड करेंगे। जब पानी काफी अच्छा गर्म हो जाए हमें नूडल्स को तभी ऐड करना है। हमें ठंडे पानी में बिल्कुल भी नूडल्स ऐड नहीं करने हैं, नहीं तो वो चिपचिपे हो जाएंगे। और धीरे धीरे चम्मच की हेल्प से इनको नीचे करते रहेंगे। नूडल्स को यहाँ पे मैं 10 मिनट के लिए बॉईल करूँगी। नूडल्स अलग अलग कंपनी के होते हैं तो उसके पैकेट पे लिखा होता है कि वो कितनी देर में बॉईल होंगे। आप पैकेट पे इंस्ट्रक्शन पढ़ करके बॉईल कीजिएगा। नूडल्स हमें पूरे बॉईल नहीं करने होते हैं, हमें सिर्फ इनको 90% ही कुक करना है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन की अपडेट मिल सके। नूडल्स हमारे अच्छे से बॉईल हो गए हैं। मैं आपको नूडल्स को तोड़ करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर नूडल्स हमारा थोड़ा सा खिचके टूट रहा है इसका मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट कुक है। अगर ये चिपचिपा सा हो रहा है तो ये ओवर कुक हो गया है। हमें बिल्कुल इसी तरीके से नूडल्स को बॉईल करना है। अब हम इसका एक्स्ट्रा पानी एक छन्नी की हेल्प से निकाल देंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आप सभी लोगों के साथ वेज मैगी की रेसिपी भी शेयर करी है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी और ऊपर आई बटन में भी। आप वहां जाकर के उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। तुरंत ही हम नूडल्स के ऊपर ठंडा पानी डालेंगे, जिससे कि इसकी जो एक्स्ट्रा ओवर कुकिंग है वो रुक जाए। इस प्रोसेस को करने से नूडल्स बिल्कुल खिले खिले रहते हैं, वो आपस में चिपकते नहीं है। नूडल्स बनाने में नूडल्स का अच्छी तरीके से बॉईल होना बहुत ज़रूरी है। अगर नूडल्स हमारे अच्छी तरीके से बॉईल होते हैं तो हमारे नूडल्स बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो ये प्रोसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम एक प्लेट में नूडल्स को निकाल लेंगे और थोड़ा सा इनको सुखा लेंगे। अभी हमें इसमें ऑयल ऐड नहीं करना है। जब इसमें थोड़ा सा ये सूख जाए तब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। नूडल्स हमारे थोड़े से सूख गए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमें इन्हें प्रॉपर नहीं सुखाना है। अगर ये प्रॉपर सूख गए तो भी ये चिपचिपे हो जाएंगे। अब हम इसमें एक बड़ा चम्मच ऑयल ऐड करेंगे और हाथों की हेल्प से सब जगह ऑयल को अच्छी तरह से मिला लेंगे। इस प्रोसेस को करने से नूडल्स बिल्कुल भी आपस में नहीं चिपकेंगे। आपने देखा होगा बाजार में, बाजार वाले भैया इसी तरीके से नूडल्स को तैयार करके रखते हैं। जब कभी भी किसी का ऑर्डर आता है तो वह इन्हीं बॉयल नूडल्स से एकदम नूडल्स तैयार कर देते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इसी तरीके से नूडल्स को बॉयल करेंगे तो ये बिल्कुल ही बाजार जैसे खिले खुले नूडल्स बनेंगे। नूडल्स हमारे बिल्कुल तैयार है। अब हम इन्हें एक साइड रख देंगे। नूडल्स फ्राई करने के लिए यहाँ मैंने लिए हैं कुछ सब्जियाँ, जिसमें मैंने लिया है 1 कप बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी, 1 शिमला मिर्ची लिया है जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है, और 2 प्याज लिए हैं जिसको मैंने लंबा लंबा बारीक कट कर लिया है। नूडल्स फ्राई करने के लिए हम एक पैन लेंगे। पैन में 1 बड़ा चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को पैन में अच्छी तरीके से चारों तरफ लगा लेंगे। ये प्रोसेस करना बहुत ही ज़रूरी है। इस तरीके से करने से नूडल्स पैन में बिल्कुल भी नहीं चिपकते हैं। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। आप यहाँ पर बारीक कटा हुआ अदरक लहसुन भी ऐड कर सकते हैं। इसको 30 सेकेंड्स के लिए भून लेंगे। ये सब प्रोसेस हमें हाई फ्लेम पर ही करना है। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हमें सिर्फ कुछ ही सेकेंड्स के लिए फ्राई करना है, जिससे कि प्याज का कच्चापन निकल जाए, प्याज में क्रंच बना रहे। अब हम इसमें पत्ता गोभी और शिमला मिर्ची को ऐड करेंगे।
आप चाहे तो यहाँ गाजर का, बीन्स का यूज़ भी कर सकते हैं। आप अपने पसंद की कोई भी सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को एक मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे, जिससे कि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए और इनका क्रंच बना रहे। अब हम इसमें बॉयल नूडल्स को ऐड करेंगे। अब हम इसमें कुछ सॉस ऐड करेंगे। यहाँ मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच ग्रीन चिल्ली सॉस, 1 बड़ा चम्मच रेड चिल्ली सॉस, 1 छोटा चम्मच सोया सॉस, 1/2 छोटा चम्मच व्हाइट विनेगर, 1 छोटा चम्मच अजीनोमोटो ऐड करेंगे, जिसे हम चाइनीज नमक भी बोलते हैं। यह आपको किसी भी ग्रोसरी पर आसानी से मिल जाएगा, ये बिल्कुल ऑप्शनल है ऐड करना। इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सॉस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें केचप का यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें रेड चिल्ली पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। नूडल्स अच्छे तरीके से हमने मिला लिए हैं। आप इस तरीके से 2 चम्मच की हेल्प से भी नूडल्स को मिला सकते हैं। यहाँ मुझे थोड़ा सा सोया सॉस कम लग रहा था, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा कलर लाने के लिए सोया सॉस को और ऐड किया है। नूडल्स हमारे बनके बिल्कुल तैयार है। ये देखिए किस तरीके से हमारे खिले खिले नूडल्स बनके तैयार हुए, इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। अब हम गर्मा गर्म नूडल्स को सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, इस तरीके से आप ये नूडल्स जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है और नेक्स्ट आप कौन से वीडियो देखना चाहते हैं, यह भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने खिले खिले नूडल्स बनके हमारे तैयार हुए। आप इनको एंजॉय कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। अब वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना ना भूलेगा। अब वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।